मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ HTML। और लेक्चर शुरू करने से पहले देखते हैं कि हम लोगों के पास किन किन लोगों के प्रोग्राम्स आए थे। सक्षम ने बहुत प्यारा प्रोग्राम बनाया है, सौम्या, चित्रांश, गुड, शुभम पटनी, गुड, शयान, वेरी गुड, शगुन, ब्यूटीफुल, नाइस, नव्या सिंघल, खुशी चौधरी, वेरी गुड, ग्रंथ सोनी बेटा, कीप इट अप, प्रथम सिंह, वेरी गुड, स्पर्शी, वेरी गुड, एंड एट लास्ट आयशा शारिक। ऐसे ही आप लोग भी प्रोग्राम बनाइए, हम लोग अपने प्रोग्राम आपके प्रोग्राम को शो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी भेजिए हमें प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थ्योरी पार्ट। थ्योरी में आज हम लोग पढ़ेंगे मार्क्यू टैग, एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टैग हैं अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है। मार्क्यू टैग एक ऐसा टैग होता है जिसके बीच में अगर आप कोई भी टेक्स्ट प्लेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे वो रन होता हुआ नज़र आएगा। आपने देखा होगा कभी भी आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो कुछ टेक्स्ट आपको मूविंग टेक्स्ट नज़र आता है, तो वो इसी टैग की मदद से आप मार्क्यू टैग की मदद से आप जो है मूविंग टेक्स्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हो। इसका सिंटेक्स होता है मार्क्यू, उसके बीच में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे और स्लैश लगा के मार्क्यू को बंद कर दोगे। आगे बढ़ते हैं एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली लिंक्स क्रिएट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अदर वेब पेज पे जाना है तो आप इस एंकर टैग की मदद से ही आगे के वेब पेजेस पे या किसी भी लिंक पर जा सकते हो। जैसे कि आज हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे कैसे हम अपने वेबसाइट पर गूगल की लिंक क्लिक करेंगे तो गूगल का वेब पेज खुल जाएगा। तो एंकर टैग में हम लिखते हैं AHREF, ये बिल्कुल एज इट इज़ यही रहेगा, --, और फिर जो भी लिंक का एड्रेस होगा वो भी --, आप क्लिक बंद कर देंगे। उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना है जैसे क्लिक हेयर फॉर गूगल, आप ये लिखकर एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं इमेज टैग। अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है ये उसके काम आता है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है इमेज SRC। अब जो भी आपकी इमेज हो उस नाम से आप इसमें यहाँ पर बीच में लिखेंगे। आपको विड्थ कितनी देनी है, हाइट कितनी देनी है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, इमेज जब भी आपको अपने वेबसाइट में डिज़ाइन करनी है तो जहाँ पर जिस फोल्डर में आपके प्रोग्राम सेव हो रहे हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में, उसी फोल्डर के अंदर वो इमेज होना चाहिए। और नाम वही लिखेंगे आप यहाँ पर, वही नाम आप लिखेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा जो कि इमेज का नाम होगा। अगर आपका इमेज का नाम कोई और सा है तो आप रिनेम करके उसको दूसरा नाम दे दो, Image 1 दे दो, Image 2 दे दो, लेकिन वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ। चलिए आते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे और देखते हैं किस तरीके से हम प्रैक्टिकल लिखेंगे। HTML हेड में हम लोग वही पार्ट लिखेंगे जो हमें यूज़ करना है। देन वी यूज़ टाइटल में हमारा जो है आएगा यूजिंग मार्क्यू एंकर इमेज, और टाइटल को हम क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम हेड को क्लोज कर देंगे। अब शुरू करेंगे हम बॉडी पार्ट से। बॉडी BG कलर इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर येलो, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर मार्क्यू टैग H1 ले लो ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे आपको मार्क्यू टैग, और आप यहाँ पर ले लो मार्क्यू। स्पेलिंग का ध्यान रखना, MARQUE मार्क्यू। अब यहाँ पर लिखोगे आप जैसे फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट वेब पेज, और आपने यहाँ मार्क्यू टैग को क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ लिखोगे जो भी आपको टैग देना है, एंकर टैग। आप ए टैग लिखोगे,
पहले आप BR टैग यूज़ कर लो ताकि ये अलग अलग लाइन में आपको नज़र आए, ये याद रखिएगा BR टैग यूज़ करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर यूज़ करो आप H2, लिखो एंकर टैग A HREF इज इक्वल टू www.google.com। HTTP भी लिख लो, ज़रूरी होता है HTTP://www.google.com और इसको क्लोज़ कर दो, और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर आप ये बंद कर दो। अब ये टेक्स्ट लिखो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर गूगल, और अब आप यहाँ पर इस एंकर टैग को यहाँ से क्लोज़ कर दो और H2 को भी क्लोज़ कर दो, H2 को भी यहाँ से क्लोज़ कर दो। पर हम H1 को क्लोज़ करना भूल गए थे, वहाँ भी H1 को क्लोज़ करना ज़रूरी है। मार्क्यू के बाद H1 पे यहाँ पर क्लोज़ करेंगे हम। कोडिंग में ये बहुत ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ ओपन करी क्या क्लोज़ करी, नहीं तो हमारी एरर आने के चांसेस बहुत होते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर इमेज टैग, इमेज SRC सोर्स डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब मैंने जैसे एक इमेज सेव कर रखी है इमेज .jpg के नाम से, अभी आपको दिखाऊंगा, और उसको मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दूंगा और यहाँ पर मेरा इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर बंद करूँगा बॉडी को और फिर क्लोज़ करूँगा अपने HTML को। चलिए सेव करते हैं फाइल और नाम देते हैं, YouTube फाइल में जाते हैं और YouTube फाइल में जाने के बाद नाम देते हैं इसको, लाइक फॉर एग्जांपल mar.html, और ऑल करके इसको हम अब सेव करते हैं और पहुँचते हैं अपने फाइल में और YouTube फाइल को सर्च करते हैं। YouTube फाइल को सर्च कर रहे हैं हम, और इस YouTube फाइल में हम आए और देखिए हमने MAR नाम से, देखिए एक मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए image.jpg के नाम से इमेज पहले से सेफ है। चलिए अब MAR.html को खोलते हैं, ओपन करते हैं क्रोम में, और इस तरीके से आपकी देखिए क्रोम में इमेज विजिबल नहीं हो रही है। अब मैं इसको दूसरे वेब ब्राउज़र से खोलूँगा, ये देखिए, और जैसे ही मैं इसको खोलूँगा यहाँ देखिए इमेज जो है बहुत बड़ी शो हो रही है। मैं अभी आपको दिखाऊँगा, अब ये लिंक देखिए, इस पर लिंक पे क्लिक करूँगा तो तुरंत गूगल खुल जाएगा, ओपन हो गया क्लिक हेयर फॉर गूगल। अब एक देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने टैग में, यहाँ इमेज के बाद यहाँ दे देंगे हाइट विद इज इक्वल टू, मैंने दे दिया 500, फिर मैं लिखूँगा हाइट इज इक्वल टू 100 के आसपास मैं हाइट दे दूँ इसकी, और ये बंद कर दूँ। अब फिर से सेव कर देता हूँ, सेव एज में जाता हूँ, सेव एज में जाने के बाद YouTube फाइल में जाता हूँ, और YouTube फाइल में जाने के बाद फिर से मैं MARQ कर देता हूँ, MARQ.html। देखिए थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है प्रोग्राम, लेकिन अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। मैंने इसलिए दोनों तरीके से आपको करके दिखाया। देखिए MARQ आ गया, वेब ब्राउज़र पे ओपन करके खोलते हैं, और ये देखिए इमेज छोटी हो गई, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे चेंजेस आ गए। क्लिक हियर फॉर गूगल पे करोगे तो आप ये गूगल खुल गया, ऊपर देखिए आपको एक रनिंग टैग दिख रहा है माय फर्स्ट वेब पेज। तो देर किस बात की, जल्दी से आप भी प्रोग्रामिंग करिए, हमें भेजिए, हम भी देखते हैं कि आप इस प्रोग्राम को क्रिएट कर पाते हो कि नहीं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।